नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार, युद्ध तैयारियों में बाधक, पर्रिकर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्ववर्ती सरकार के शासन में रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार के कारण रक्षा तैयारियों के प्रभावित होने का दावा करते हुए कहा कि मोदी सरकार सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के कदम उठा रही है। बोफोर्स घोटाले का उदाहरण देते हुए पर्रिकर ने कहा कि घोटाले के चलते ही हाविट्जर तोप की खरीद ठप पड़ गई। उन्होंने कहा कि अब देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाई गई धनुष तोप का परीक्षण चल रहा है। इसके साथ ही 50% स्वदेशी सामान से बनने वाली सेल्फ प्रोपेल्ड तोप को भी निजी क्षेत्र के माध्यम से बनाने की मंजूरी दी गई है। अनुबंध को अगले 2-3 महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। नीट के समर्थन में केजरीवाल ने मोदी को लिखा पत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट को बंद करने के लिए अध्यादेश नहीं लाए जाने की मांग की है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को एक पत्र लिखा है जिसमें उच्चतम न्यायालय के नीट परीक्षा को रद्द नहीं करने के आदेश का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि नीट को बंद करने का अध्यादेश नहीं लाया जाना चाहिए। सभी छात्र चाहते हैं कि ये परीक्षा लागू हो। यदि इसे रद्द किया गया तो लोगों में ये संदेश जाएगा कि केंद्र सरकार काला धन संचय करने वालों का साथ दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई पार्टियों के सांसदों और नेताओं के अपने निजी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। इसमें कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ में पैसे का गोरख धंधा चल रहा है, इसीलिए वे नहीं चाहते कि नीट परीक्षा हो। जमीन धंसने से असम जा रही ट्रेन पटरी से उतरी। भारी बारिश के चलते जमीन धंसने से शुक्रवार को कन्याकुमारी के निकट असम जा रही एक ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के चलते नागरकोइल और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के बीच सिंगल लाइन खंड पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दक्षिण रेलवे की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये ट्रेन गुरुवार रात 11 बजे कन्याकुमारी से रवाना हुई और रात्रि करीब 1:10 पर एरानियल स्टेशन से गुजरने के बाद जमीन धंसने से पटरी से उतर गई। क्षेत्र में भारी बारिश के बाद जमीन धंसने के चलते इंजन के पहिए का एक जोड़ा पटरी से उतर गया। इस दुर्घटना में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। मंडलीय रेलवे प्रबंधक और राहत दल घटना स्थल पर पहुँच चुके हैं। शहरयार खान बोले, पाक खिलाड़ी कम पढ़े लिखे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख शहरयार खान ने कहा कि राष्ट्रीय टीम में शिक्षित खिलाड़ियों की कमी भी उसके खराब प्रदर्शन के लिए एक कारण है। क्वेटा में पत्रकारों से बात करते हुए शहरयार ने कहा कि वर्तमान टीम में केवल मिसबाह उल हक ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्नातक हैं। उन्होंने कहा कि मिसबाह को छोड़कर अभी टीम में कोई भी खिलाड़ी स्नातक नहीं है और टीम में शिक्षित खिलाड़ियों की कमी हाल के लचर प्रदर्शन का मुख्य कारण रहा तथा भविष्य में हम टीम में शिक्षित खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और उन्हें टीम में शामिल करने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। बोर्ड ने अनुशासन के मसलों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करने का फैसला किया है। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।